बांदा में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के बैनर तले पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया है। दरअसल जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा गया है ज्ञापन, जहां पर फतेहपुर के पत्रकार दिलीप सैनी ने दबंगों द्वारा की गई निर्मम हत्या व हमीरपुर में पत्रकारों को बंधक बनाकर नग्न कर पिटाई का विरोध जताया है। दोनों घटनाओं पर ठोस कार्रवाई कर अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसने की मांग उठाई गई है। मृतक पत्रकार के परिवार को मुआवजा सहित सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई है। हमीरपुर में पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर प्रशासन तत्काल कठोर कार्रवाई करे। पूरा मामला पत्रकार में घटित घटनाओं के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। पत्रकार सुरक्षा परिषद जिला अध्यक्ष बांदा मदन गुप्ता, मैंने जो है आज पत्रकारों के हित के लिए जो है ज्ञापन दिया है। सबसे बड़ी घटना हो गई है फतेहपुर में, जो है पत्रकार को गोली से मार दिया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हो पा रही है। दूसरी घटना हुई है हमारे हमीरपुर में, सरीला चेयरमैन ने जो है एक पत्रकार को नंगा करके पीटा है, उसमें भी प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इन्हीं सब को लेकर जो है आज हमने संगठन की तरफ से ज्ञापन दिया है, ताकि पत्रकारों के हित में ध्यान रखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था की मांग की है और पत्रकारों पे हुए अत्याचार पे जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग। ज्ञापन तो दिए जाते हैं लेकिन कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र की रह जाती है, ऐसा क्यों? हाँ, ये बात सही है कि ज्ञापन दिए जाते हैं, कार्रवाई केवल नाम मात्र है। इसीलिए मैंने आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, ताकि इसमें संज्ञान पे लें और हम पत्रकारों को जो है सुरक्षा व्यवस्था की कुछ न कुछ ठोस कदम उठाए। इसलिए हमने अगर ज्ञापन में कार्रवाई नहीं की जाती तो आगे आपका क्या निर्णय? ज्ञापन में अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो जैसा भी दिशा निर्देश हमको मिलेगा, कलम बंद जो है हम लोग जो है हड़ताल करने के लिए भी उतार हो जाएंगे।